हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एलसीएम, एससीएफ, नंबर सिस्टम, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका है आज 5वां क्लास। तो आप लोग के सामने दिया गया क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि 16 और 19 अनुपात के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाएगा ताकि ये इतना हो जाए। अब देखिए, हम बताए थे आप लोग को लड़ाई कंसेप्ट। अब देखिए, 16 और 19 में से हम लोग कितना घटाएंगे, ठीक, जो कि हो जाएगा 7, 6। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, उलेंगे हम लोग अंतर, तो आएगा यहाँ पे 37। क्या आ जाएगा, 37 आएगा, 37। और यहाँ देखिए, 7 × 7, 6 × 6, कितना बचा, 100 बचा। तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, 37। डी वाला आपका आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो व्यक्तियों पी और क्यू की आय दिया गया है इतना, और इनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपये की बचत करता है, तो उनके व्यय का अनुपात इतना है, तो क्यू की इनकम क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे लड़ाई कंसेप्ट। अब देखिए, पी और क्यू का यहाँ पर दिया गया इनकम इतना, कितना, 5 और 6। पी और क्यू का यहाँ पे दिया गया है रेशियो इनकम का 5 और 6। यहाँ देखिए, यहाँ प्रत्येक लोग दिया गया 200 रुपये क्या करते हैं, बचत करते हैं हम, तो 200 रुपया यहाँ पे बचाते हैं, यहाँ भी 200 रुपया बचाते हैं हम, तो उनके व्यय का अनुपात, ये हमारा किसका अनुपात है, इनकम का। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 3:4। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, 4×5 = 20 और 6×3 = 18, दो रेशियो बचा, दो रेशियो बराबर 4×2 = 800 और 3×2 = 600, बचा कितना, 200। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेंगे अंतर, ठीक। इसे मान लीजिए 6, 4×5 = 20 और यहाँ पे 6×3 = 18, तो 20 में से 18 गया, ये 2 बचा। इसी प्रकार हम लोग इसका करेंगे, तो आ जाएगा 2 रेशियो = 200, 1 रेशियो = कितना आ जाएगा, 100। तो पूछा है यहाँ पे क्यू की आय क्या होगी, देखिए यहाँ पे इनकम का रेशियो दिया गया 6, कितना हो जाएगा, 600। आंसर नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन और 9 पेंसिल की जितनी है। देखिए, 8 पेन है और प्लस 3 पेंसिल है, ठीक, बराबर 3 पेन प्लस 9 पेंसिल के बराबर है। अब देखिए, 8 पेन में से 3 पेन गया, कितना बचा, 5 पेन बचा, 5 पेन बराबर यहाँ पे इधर गया, 6 पेंसिल हो गया, 6 पेंसिल। अब पेन बटा पेंसिल बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। तो यहाँ पे दिया गया कि एक पेंसिल की कीमत एक पेन और एक पेंसिल की कीमत, और जो है एक पेन की कीमत के आपको निकालना है, तो हो जाएगा 6 और 5, पेन का निकालना है और पेंसिल का निकालना है, एक पेंसिल की कीमत का एक पेन की कीमत से अनुपात, एक पेन की कीमत से यहाँ दिया गया है, एक पेन की कीमत से रिस्पेक्टिव बोला गया है पेन, तो पेन का क्या हो जाएगा, 5 नीचे रहेगा और पेंसिल वाला ऊपर रहेगा, तो 6 और 5 कहाँ पे है, सी वाला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पे आपको पुट करना है आंसर, यहाँ पे इसका वैल्यू
तो 2 3 5 5 3 8 2 10 10 रेशियो। अब 3p प्लस क्यू माइनस आर। 3p मतलब 3 2 6 और प्लस क्यू का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस करना है आपके यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 6 3 9 5 4 तो 2 5 10 और 2 2 4 तो 5 2 रेशियो आपका आएगा। पहला वाला आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी की आयु का यहाँ पे रेशियो इतना है और उनका व्यय का रेशियो कितना है, 1:2 है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि बी के व्यय का इतना परसेंट ए के आय की बराबर है, तो ए और बी के इस सेव का रेशियो कितना होगा, यानी बचत का रेशियो कितना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना होगा थोड़ा सा कि अगर आपको इनकम निकालना है, इनकम तो इनकम बराबर क्या होता है, सेव होता है प्लस आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। खर्चा में अगर आप जो है बचत को जोड़ते हैं तो वही आपका होता है इनकम का रेशियो, ठीक। तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे बताइए, क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे इसका इनकम का रेशियो हो जाएगा 2x और 3x, इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा y और 2y। फिर दिया गया कि b के व्यय का 90% a के i के बराबर है, तो a का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे लिए a है ये b है। अब a का यहाँ पे इनकम 2x है, तो 2x बराबर b के व्यय कितना है, b का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 2i है, 2i का 90% ये गया आपका 2 से 2 गया, तो x बटा वाई का आपका आ जाएगा 9/10। अब देखिए a और b की बचत, अब यहाँ पे x का आ जाएगा यहाँ पे 9 2 18 और 9 3 27, इसका आ जाएगा 10 और इसका 20। अब देखिए अगर आप जो है इनकम में से मतलब इनकम में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या, सेव का रेशियो। तो देखिए 18 में से 10 गया, क्या जाएगा 8 आ जाएगा, और 27 में से 20 गया 7 रेशियो, तो यही आपका क्या होगा, सेविंग का रेशियो हो जाएगा, ठीक। तो 8 रेशियो आपका 7 यहाँ पे सही होगा आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 60 17 22 और 47 प्रतीक में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समान अनुपात में हो। अब देखिए इसका दो आता है मेथड, 7/17 एक सेकेंड, 7/16 22/17, इसमें आप लोग क्या जोड़ोगे, ठीक, कि दोनों हो जाए बराबर। अब मान लीजिए आप इसमें एक जोड़ते हो, एक तो 8/18 23/48 जो कि बराबर होगा नहीं। अब आप यहाँ पे 3 यहाँ पे लिखोगे, 3 तो कितना हो जाएगा, 3 7 3 10/20, 22 3 25/50, तो 10 1 2 10 2 20 1/2 = 25 1 25 50 1/2। जैसे ही आप यहाँ पे 3 लेते हो, 3 तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है बराबर। लेकिन इसका दूसरा मेथड होता है, एक सेकंड यार तो मिट्टी के नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन ना हो, थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है इसमें, तब क्या करोगे आप लोग, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है इसका, विदाउट ऑप्शन यू कैन सॉल्व इजीली, ओके। 7/17 = 22/47, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका इसमें 47 + 7
माइनस 22 गुणे 17। अब इन दोनों का सम 54, इसका सम 39, इसका मल्टीप्लाई करोगे 329 आ जाएगा, माइनस 374 बटा यहाँ पे 54 में से 39 गया तो 14 में से 9 गया 5, 1, ठीक, 9 में से 4 गया 5 यानी 45, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पॉजिटिव लेना है। अब 15 तिया क्या आ जाएगा, 45, तो आपका यहाँ पे आंसर बी वाला सही होगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए बहुत ही लाजवाब और शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, CHSL 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एकदम बढ़िया सवाल है ये, नंबर वन, बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए तीन हैं क्राफ्ट्समैन, पांच यहाँ पे हेल्पर हैं, छह यहाँ पे लेबर हैं, उनके बीच आपको वितरित करना है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है 10,000 रुपया, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है ताकि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर को मिलने वाली राशि से दो गुनी राशि क्या हो, प्राप्त हो, और प्रत्येक शिल्पकार को एक मजदूर को मिलने वाली राशि से तीन गुनी राशि प्राप्त हो, तो तीनों शिल्पकार द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको हेल्पर यहाँ पे दिया गया ना, यच तो पेन नहीं चलता है, यहाँ पे दिया गया हेल्पर एक सहायक को एक मजदूर की मिलने वाली राशि से दोगुना राशि प्राप्त होती है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक। प्रत्येक शिल्पकार को यानी प्रत्येक क्राफ्टमैन को एक मजदूर को मिलने वाली राशि से तीन गुनी राशि प्राप्त होती है यानी 3। अब अगर यहाँ पे रेशियो निकालते हो कि एच सी मान लिया, यहाँ लिखते हैं सी एच एल, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एच बाई एल इक्वल टू टू बाई वन और सी का भी हो जाएगा 3, इसका लिखेंगे आप लोग सी इक्वल टू सी बाई एल का 3/1, ठीक। तो यानी किसका रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, इसका रेशियो आ जाएगा 3, 2 और 1 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे दिया गया तीन शिल्पकार, ठीक, तीन शिल्पकार, पांच सहायक, पांच का मल्टीप्लाई, छह मजदूर। अब इसमें बचेगी मतलब बटेगी राशि आपकी, 3 × 9, 5 × 2 = 10 और 6 × 1 = 6, तो कितना हो गया ये तीनों, 10, 6, 16, 9, 25। अब 25 रेशियो बराबर आपके यहाँ पे 10,000 के बराबर होगा, 10,000 के बराबर। अब एक रेशियो बराबर आ जाएगा 400, ठीक। तो तीनों शिल्पकारों को कितनी राशि मिलेगी, देखिए तीनों यहाँ पे शिल्पकार हैं, कितनी राशि मिलेगी, 9 का यहाँ पे आपको मतलब मल्टीप्लाई करना है, 400 × 9, तो 9 × 4 = 36, डी वाला आपका आंसर सही होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको एक 1/1 चलेंगे तब, ठीक, तो 9 × 4 = 36 आपका यहाँ पे सही आ जाएगा। अगर हेल्पर का पूछेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 में, लेबर का पूछेगा तो 6 × 2 = 2400। ओके, नेक्स्ट, अब ये देखिए दिया गया कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए अगर आपका पहले का रेशियो हो, बाद का रेशियो हो एज में, तो दोनों का डिफरेंस ऑलवेज सेम, तो ये दिया गया किसका अंतर कितना है, मतलब इनका डिफरेंस जो है 5 है, तो 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद मैंने प्लस किया, मतलब 4 वर्ष के बाद अमन का रेशियो और वैभव का 5:4 है, ये तो एज का क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार किया इसको। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना दिया गया, 5, 1:5, तो वर्तमान में अमित की आयु क्या होगी,
स्वामित्व की आयु। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25। ये 25 मतलब क्या है, 4 साल बाद का है। आपको क्या निकालना है, वर्तमान निकालना है। 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 21। तो योर आंसर विल बी दैट इज 21। नेक्स्ट, अब ये देखिए बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ दिया गया है कि मोहन और नीलेश ने इतना अनुपात में पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी में क्या किया, प्रवेश किया। और दिया गया कि 5 महीनों के बाद मोहन ने अपनी पूंजी का मतलब पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया और नीलेश ने अपनी पूंजी का 1/7 हिस्सा वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में लाभ जो है इतना रुपया था, तो इस लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा, ये बताना है आपको। अब देखिए मोहन क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, और नीलेश का रेशियो कितना है, 8:7 है। ये क्या है, किसका रेशियो, इन्वेस्टमेंट का है, मतलब पूंजी का निवेश करते हैं। और आपको यहाँ बात रखना कि यहाँ दिया गया वर्ष के अंत में, ये आपको नोट करना अपने दिमाग में पहले, ठीक। अब देखिए इन्होंने 5 महीना काम किया, चलो भाई ठीक है 5 महीना काम किया, पाँच महीना इधर किया। फिर उसके बाद जो ये मोहन है उन्होंने अपने हिस्सा का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो 8 × 1/4 कितना हुआ, 4 × 2 = 8, कितना बचा, 6 बचा, वही आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक यहाँ लिखेंगे। फिर इसका देखिए नीलेश का प्लस नीलेश का 1/7 हिस्सा, 7 × 1/7 काटेंगे यहाँ पे, 1 बचा और कितना बचा यहाँ पे, 6, मतलब टोटल यहाँ पे 7 है और 7 में से यहाँ पे 1/7 अगर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, तो यहाँ पे कितना शेष बचा, 7, तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे। हम देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ यार, एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, उसको मेरी बात थोड़ा मिटा दूँ इसको, सब मिटिंग जाएगा ऐसे। अब देखिए तो वही मतलब यहाँ पे है कि 1/4 हिस्सा है, 4 × 2 = 8, 2 यानी कितना बचा, 6, कितना बचा यहाँ पे, 6, ठीक। और प्लस अब देखिए 1/7, 7 गया 1 बचा, कितना शेष बचा, 6 बचा, ठीक। अब कितना यहाँ पे दिया गया टाइम, आपको वर्ष के अंत में बोला है ना, वर्ष के अंत में, तो 5 महीना यहाँ हमने यूज कर लिया, कितना बचा, 7 महीना इधर और 7 महीना इधर। अब यही आपको यहाँ पे करना, देखिए 8×5 = 40, 40, ठीक। और यहाँ पे 6×7 = 42, 7×5 = 35 और यहाँ पे 6×7 = 42, ये हो गया। अब यहाँ पे 40×40 = 82 और यहाँ पे 5×2 = 7 और 4×3 = 77। अब दिया गया है कि इन्होंने वर्ष के अंत में इतना लाभ लिए रुपए थे, ये क्या है आपका प्रॉफिट का रेशियो, 77 यहाँ पे आ जाएगा, किसका है प्रॉफिट का रेशियो। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में तो ये आपका रेशियो आता है प्रॉफिट का, जो कि मैंने पूरा बताया था इसको विस्तार में पिछले वाले क्लास में। तो यही क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों अगर आप दोनों ऐड करेंगे ऐड तो 159, 7 × 2 = 9 और यहाँ पे 8×7 = 15, 159 = 47, 70। अभी जाएगा 30 बार गया। अब पूछा कि मोहन का हिस्सा कितना है, ये भाई साहब मोहन है, ये आपका नीलेश है, तो मोहन का हिस्सा कितना हो जाएगा, 82 × 30 मोहन का हिस्सा है
और ये आपका नीलेश का हिस्सा है। तो मोहन का हिस्सा हमें देखिए एक रेशी बराबर 30 आ गया, तो मोहन का निकालना है तो 82 × 30 कर लीजिए, तो 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24, 2460 आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया अगला कि अमन, कमल और रतन एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उनके निवेश का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, यदि अंत में उनके लाभ का अनुपात यहाँ इतना है तो उनके निवेश की अवधि मतलब टाइम पूछा है। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको प्रॉफिट देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट होता है ना, इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में तो ही आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है मतलब लाभ होता है। तो ये बात आपको नोट करना है पूरा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे दिया गया है किसका रेशियो, निवेश का दिया गया है, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का 12, 4 और 3। ठीक, ये कौन है, ये अमन है, ये कमल है और ये कौन भाई साहब, रतन है। ठीक, अब यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है कि इनका लाभ अनुपात 3:16:9 है, 3:16:9 है। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर कैसे निकालेंगे आप लोग भाई, IT = प्रॉफिट होता है, तो time = क्या होगा, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट आपका ये है, ये तो 3/3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 3 और 3 × 4 = 12, 16/4 मतलब 4 हो जाएगा, 4/1, 9/3 मतलब 3 हो जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एलसीएम होगा, तो यहाँ पर 4 होगा, 4 कह रहा हूँ, 1 होगा, एलसीएम 16 या फिर 4 ही ले सकते हो, यहाँ एलसीएम 4 ले लीजिए, एलसीएम 4 होगा, तो 1, 16 और यहाँ पे 3 × 3 = 9, तो 1, 16, 9 आपको यहाँ पे आंसर आएगा। 1, 16, 1 सेकंड, 1, 16, 4, 3 × 4 = 12, 1, 16 और 12, तो यही आपका होगा आंसर। तो कहने का मतलब यही है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट का टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के मूल्य के सिक्के हैं तो 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के का मूल्य क्रमशः इतना अनुपात में है, तो सिक्कों की कुल संख्या आपको दी गई 180, तो बैग में कुल कितने मूल्य मतलब रुपए के सिक्के हैं। देखिए क्वाइन बेस्ड मैंने क्वेश्चन बहुत सारा किया इस पर, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसका रिप्रेजेंटेशन कितना दिया गया, 1 रुपया दिया गया ना, 1 रुपया, तो 1 रुपया ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा। अगर 50 पैसा रहेगा 50 पैसा तो क्या होगा, 1/2 होगा रुपया, 25 रहेगा तो 1/4 होगा। ठीक, तो यही कहने का मतलब है। अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू का रेशियो यहाँ पर दिया गया 5, 3 और 5, 3, 1, यहाँ दिया गया ना मूल्य, तो 5, 3 और 1, इसका फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ तो आप लोग समझेंगे। इसका फार्मूला यही होता है कि अगर रुपया क्या होता है, रुपया पैसा दिया गया ना, क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ कॉइन्स का तो वही हमारा आता है वैल्यू। तो यही मैं जा रहा हूँ यहाँ पे उपयोग करने, इसका फार्मूला इसमें, अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया वैल्यू 5, 3, 1। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स आपको निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ देखिए आर का भी दिया गया है, 1 रुपया दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे 50 का क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 25 का 1/4 हो जाएगा। तब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आप निकालोगे, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर हमको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना होगा तो यहाँ पे वैल्यू बटा आर होगा, तो वैल्यू कितना है, 5 है, 5/1, 3/1/2 करोगे तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये n 1 आएगा, 1/1 × 4,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, 6 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि कुल सिक्कों की संख्या 180 है, तो 6, 4, 10, 5, 15। अब 15 रेशियो बराबर 180 है, तो 15 × 9 = 15, 15 × 2 = 30, 12 आ गया। तो बैग में कुल कितने मूल्य के सिक्के हैं, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितना दिया गया है, टोटल वैल्यू यहाँ दिया गया है 5, 3, 8, 1, 9। अब 9 गुड़े आप करेंगे 12, तो 12 × 9 = 108। डी वाला आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग देखे नहीं लड़ाई कंसेप्ट, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था एज का, उसमें मैंने बताया था डिटेल से। अब यहाँ दिया गया एक्स और वाई का आय का अनुपात, किसका इनकम का अनुपात 5 और 6 है और व्यय का अनुपात 6, 5, 6। यक्स मान लीजिए इतना रुपया और वाई मान लीजिए इतना रुपया बचाता है, तो यक्स की इनकम क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अगर आप लोग कर लोगे तब, नहीं कर पाओगे तो हार्ड होगा। यक्स है और वाई है, ठीक। यक्स का जो इनकम है, इनकम कितना है 5 है और ये 6 है, ये बचाता है 7000 रुपये, मतलब 7 की, और वाई बचाता है 15000, 15 की, ठीक। और इनके व्यय का जो रेशियो दिया गया 6:5, तो वही 5 का 5 का मल्टीप्लाई और 6 का 6 का मल्टीप्लाई, तो 5×25 और 6×36, तो 36 में से 25 गया, आ जाएगा आपका 11। 11 = 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 7×5 = 35 और 15×6 = 90, तो 90 में से 35 गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 5, मतलब 55 आ जाएगा। तो 11×5 = 55, 1 = 5। तो पूछा है कि यक्स की आय क्या होगी, यक्स की आय कितना है 5 है, तो 5×5, ये 5 की है मतलब 55 की, तो ऐसे मान लीजिए 15 यहाँ पर दिया गया है 5 और 7, तो 7×5 = 35000 होगा, 15×6 = 90, 90000, तो यहाँ पे कितना बचा है 5 की मतलब 5000, तो 5×25 = 25 यहाँ पे हज़ार आपका यहाँ पे आंसर सही होगा, ठीक। देन आंसर क्या होगा आपका 25000 आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया गया है बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यू वी और यहाँ पे दिया गया है वी डब्लू, यहाँ देखिए वी हो जाएगा v² = u / w हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप इसका 4 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 निकालना पावर के लिए, तो u पे 4 पावर करेंगे तो u² / w² हो जाएगा। अब आपको निकालना है u² / v² तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, u पे 4 और v के 4 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है u² और w², इससे कटा तो कितना हो जाएगा u² हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा u² और रेशियो में w², तो u² w² यहाँ पे बी वाला आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि ए सी डी का जो है मान क्या होगा। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ए बी सी और डी, इसका दिया गया है 2:5, ठीक, और बी सी का दिया गया है 4:3 और सी डी का दिया गया है 2:1। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होता है, जो यहाँ पे खाली है वही आप यहाँ पे फिल करने की, 5 और 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 2×2 = 4, 4×4 = 16, 5×5 = 20, 5×2 = 40। एक सेकेंड गलत हो गया थोड़ा सा, 2×5 = 4, 3×2 = 1, 2×2 = 5×5 = 20, 5×2 = 40 सही तो है,
पंतियाँ 15 और 15 दुनी 30, 5 तियाई 15। अब बोला गया है कि ए सी डी का मान, ए यहाँ पे 16 है, सी आपके यहाँ पे 30 है और डी आपके यहाँ पे 15 है। तो डी वाला आपके यहाँ पे आंसर सही होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, जो आप लोग 7वां क्वेश्चन किए हैं, एकदम डिट्टो है, बस यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे चेंज है बस। अब देखिए यहाँ पे दिया गया, एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ और 1 पत्नी है। वे अपने बीच 19,000 रुपये क्या करना है, विभाजन करना है। तो इस प्रकार आप करना है कि प्रत्येक बेटे को प्राप्त राशि का इतना गुना और उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपया यहाँ पे कम मिला है। तो 3 बेटे को प्राप्त कुल राशि रुपये में क्या होगी। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ बेटी दिया गया है ना, बेटी प्रत्येक बेटे को, मतलब जो है बेटा होगा नीचे होगा। अब डाटर बाय सन कितना है, 1.5 गुना, मतलब 3/2 गुना इसका रेशियो हो जाएगा। और उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से रुपया कितना मिला है, कम मिला है। अब देखिए डी अनुपात है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको मैं, डी सन हो गया और यहाँ पे इसकी वाइफ हो गई, इसको कितना मिला 3x 2x, और वाइफ का कितना जाएगा, वाइफ का एक, मतलब 3 बेटे 2 बेटियाँ और 1 पत्नी, मतलब इसका 2x। देखिए यहाँ पे डॉक्टर को दिया गया 3x और सन का 2x, और वाइफ को क्या बोला है, उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपया कम मिला। तो उसका बेटा 2x-600, तो वाइफ का रेशियो आ जाएगा 2x-600। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 बेटे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे 3 का, 2 बेटियाँ 2 का, और पत्नी एक ही है, कोई बात नहीं। तो 3 × 2 = 6x और 2 × 3 = 6x और 2x-600, इन तीनों को आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका रेशियो इतने के बराबर होगा। ऐड करने के बाद इनका जो रेशियो होगा, छः छः 12 हो जाएगा, 12 × 2 = 14। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए 6 × 6 = 12 हो गया, अब 12 × 2 देखिए 6 × 6 = 12, 12 × 2 = 14। अब 14:16, अब 600 जाएगा उधर या उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा ऐड, तो 19,600 हो जाएगा। काटेंगे इसको आप लोग तो x = 1400। ठीक, तो पूछा है कि उनके बेटे को, बेटे का रेशियो कितना, 6x है, तो 14 × 6 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8400। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी महंगाई के समय अपने कर्मचारियों की संख्या इतना के अनुपात में कम करती है और प्रत्येक कर्मचारी के औसत वेतन में इतना अनुपात की वृद्धि करती है। तो ऐसा करने पर कंपनी 55,000 रुपये की बचत करती है, तो कंपनी की प्रारंभिक व्यय क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए 5 और 3 = 7 और 8, 5 × 7 = 35, 8 × 3 = 24, 55,000 रुपये की क्या करती है, बचत करती है। अब देखिए इसका जो अंतर होगा, बचत करती है ना, अंतर कितना होगा, 11:11 बराबर 55,000, तो कितना आ जाएगा 5,000। तो पूछा है कंपनी की प्रारंभिक व्यय क्या हो गई, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 5,000 में, तो क्या आ जाएगा, 25
पाँच तिहाई 1575,000। नेक्स्ट, अभी हम देखिए अगला क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन है, देखिए सीजीएल टायर टू में आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि 50 कम ने आवेदन किया और 25 कम यहाँ पे सिलेक्ट हुए, तो चयनित और अचयनितों का यहाँ पर रेशियो इतना दिया गया है, तो कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया यदि चयनित और अचयनित से अनुपात इतना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अनसिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड, तो यहाँ पर सिलेक्टेड कितना है, 2 है, अनसिलेक्टेड कितना है, 1 है। यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल टोटल यहाँ पे है 3:3। अब यहाँ पे दिया गया है कि 50 कम ने आवेदन किया, 50 कम ने यहाँ पे आवेदन किया, किसमें, टोटल में से 50 कम ने यहाँ पे आवेदन किया, टोटल में से 25 कम चयनित हुए, 25 कम चयनित हुए। अब देखिए 25 यहाँ पे कम सेलेक्ट हुए, अब इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ पे -25 लिख रहे हैं, यानी 25 यहाँ पे अचयनित हुए। ठीक, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे चयनित और अचयनित का रेशियो दिया गया 9 और 4। अब फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे लड़ाई कंसेप्ट, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, तो 4 × 2 = 8, 9 × 9 = 9, 1 = 25 × 100 और 9 × 25 = 225, यानी 125। अब पूछा गया यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो टोटल कितना है, 3 है, तो 3 × 125 कितना हो जाएगा, 375 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन सीजीएल टायर टू, मतलब एक नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जानदार शानदार। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। दिया गया है कि ए बी और सी का इतना रेशियो एक व्यापार में निवेश करते हैं और सी जो है एक निष्क्रिय साझेदार है, अतः लाभ में उसका हिस्सा सक्रिय साझेदार से आधा होगा, यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसका 25% व्यापार में पुनर्निवेश किया तो बी को कितना मिलेगा। एक नंबर क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए ए है और बी है और यहाँ पे सी है, तो पेन नहीं चलता यार, 4, 5, 5 है और यहाँ पे 7 है, लेकिन सी का दिया गया कि सी क्या एक निष्क्रिय साझेदार है जो कि यहाँ उसका हिस्सा सक्रिय साझेदार से क्या है, आधा है, इसका हिस्सा क्या है, आधा है। ठीक, उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसका वो 25% व्यापार में पुनर्जो है क्या करते हैं, निवेश कर देते हैं। अब देखिए 36,000 में से 25% है क्या होता है, पुनर्निवेश हो जाता है, तो मतलब यहाँ बचा 75%, मतलब 36,000 का यहाँ पे 75% क्या होगा, 3/4 होगा, तो यही जो है इसमें बटेगा 4, 5, मतलब ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा इसमें 27,000, 4 × 9 = 36, 9 × 3 = 27, 27,000 इसमें बटेगा इन तीनों में। अब इन तीनों का यहाँ पर देख लीजिए, 4 × 2 = 8, 10 और 7, तो 10 × 7 = 18 और 25, तो 25 = 27,000, तो 1 = क्या आ जाएगा हमारा, तो पूछा है बी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बी को यहाँ पे 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 × 40, 100 से कटा इतना हो गया, 27 × 40 आ गया। अब यहाँ पे 27 × 40
गुणे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो आ जाएगा हमारा 1000। बी वाला आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा वीडियो पीछे करिएगा। और आपको एक बात नोट करना है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ना, इन्वेस्टमेंट अगर इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे काम किया है पूरा। ठीक, यहाँ पे दिया कि 25% जो है पुनर्निवेश होता है इसका लाभ। तो जब 25% आप निकालेंगे मतलब निकाल लोगे तो जो बचेगा वही तीनों में बटेगा। तो ये मैंने यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि इतना रुपए की एक राशि को ए बी सी डी के बीच इतना रुपए मतलब इतना अनुपात में विभाजित किया जाना था लेकिन गलती से इतना हो गया, तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, तीन है और चार है, पाँच है, आठ है, तो कितना हो गया 20। 13 है, 14 है, पाँच है, आठ है, कितना हो गया 26, 27, 27, 5, 32, 8, 40, 40 हो गया। अब देखिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पे दो से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दो से मल्टीप्लाई किया। तो दो का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो इसका क्या आ जाएगा 6, 6 आएगा ना। अब देखिए 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 मतलब 7 क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे जो 40 रेशियो है, इस 40 रेशियो को बराबर करेंगे इतने के बराबर, 40 रेशियो बराबर 43:60, तो कितना आ जाएगा 109। अब देखिए 3 दोनों 6, अब 6 से कितना ज़्यादा है 7 है, तो 7 × 9 763 ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 × 4 = 8, अब 8 × 14 करेंगे, 8 × यहाँ पे 14 करेंगे तभी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 8 × 4 = 32 और 8 × 4 = 32, 8 × 9 = 8, 8 × 2 = 11, ये भी नहीं है। अब आप इसका देखेंगे डी वाला, डी वाल देखेंगे 8 × 16 में से 8 क्या 8 बचा। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 109 में तो कितना आ जाएगा 872, कितना आ जाएगा 872। अब 872 क्या है यहाँ पे कम है, देखिए डी रिसीव्ड 872 लेस, देखिए यहाँ पे 16 आएगा ना, यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे कितना इसको मिला परिणाम के बाद 8 मिला, तो यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया, माइनस हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ। तो वही यहाँ पर दिया गया कि 872 रुपये इसको क्या हुआ कम मिला। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग लेके आने वाले हैं एवरेज पर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।